हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। लगता है हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है बाहर। सर, अगर यहां से बाहर नहीं निकले तो इस सुशांत की बॉडी सड़ने लगेगी। हाँ, और अगर सुशांत की बॉडी सड़ गई तो खूनी बच जाएगा, सारे सुराग मर जाएंगे। ऑक्सीजन भी बहुत कम है। हाँ, बोल भी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। हाँ सर। सुनो, वो चिप नहीं मिली अभी तक, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर अंदर अंदर, यहाँ इस कमरे में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है सर। अगर अगर जल्दी से ये दरवाजा खोला नहीं गया तो घबराना मत, हम तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लेंगे। उर्वी, हौसला रखना, धीरे धीरे सांस लो, आराम से। सर, आपका कब आ गया? नहीं, इतना टाइम हुआ, इतनी कॉफी पी ली है कि मेरी रात की नींद हराम होने वाली है। मैं अब तक आया ही नहीं, और पता नहीं अब आएगा भी या नहीं, देखता हूँ थोड़ी देर और। हाँ, ओके। काफी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है साहब। पक्का? पक्का। बिल? मैंने बिल दिया साहब। थैंक यू। सभी चोर लुटेरों ठगों के लिए सुनहरा मौका, अगर दम है तो मेरे 10 करोड़ रुपए चुराओ और साथ में रुशदा हीरा भी पाओ। ना ये कोई जाल है और ना ये कोई पुलिस की चाल। आओ खाली हाथ और जाओ माला माल, सेबेस्टियन हॉल, सुबह 8 बजे। रमैया आने वाला है? पक्का साहब, वो जरूर आएगा। मैं आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूं। पुलिस, घबराइए मत। मैं ये कहना चाहता था कि पुलिस और दुनिया की नजरों में आप चाहे चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में आप सिर्फ कलाकार हैं। ऐसे कलाकार जिनकी उंगलियों में जादू है, और इस जादू को रोकने के लिए मेरा यकीन कीजिए, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही राज की बात बताने जा रहा हूं।
तुम ये तो बता दो कि तुम हो कौन। मेरा नाम आरके है, एक बिजनेसमैन हूँ, और जो शानदार ऑफर मैंने आप सबके लिए रखा है वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। लेकिन बिजनेसमैन तो हमेशा अपना मुनाफा देखते हैं, तुम पे यकीन कैसे करें? मुझ पे यकीन कर लो मेरे भाई, इसमें कोई साजिश नहीं है। मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा पैसा चोरी करके ले जाओ। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन सुनने से पहले एक नजर यहां दे ली। तो क्यों ना इस हीरे का साक्षात्कार किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अरविंद जी और सुमन जी को। जोरदार तालियां इनके लिए। ये सुमन ज्वेलर्स के ओनर हैं और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इन्होंने मुझे ये हीरा अपने इस फंक्शन में यूज करने की परमिशन दी। देख रहे हैं आप ये नायाब हीरा। मैं जानता हूं ये बहुत कीमती है, और आप लोगों के लिए इसकी कीमत क्या है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं। यार हम तो रम्या को पकड़ने आए थे, तो ये सारा चक्कर कुछ और ही है। सर ये तो रोसिटा हीरा है, अरबों में कीमत है इसकी। आखिर ये आदमी अपने आप को लुटवाना क्यों चाहता है, एक ही जगह पे इतने सारे मुजरिमों को इकट्ठा करके? तो आइए देखते हैं कौन यहाँ से मालामाल होकर जाता है। लेकिन पुलिस का तो लफड़ा नहीं होगा? वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू हम सबको चूरन तो नहीं दे रहा है? मैं आजकल क्या कोई किसी को कटिंग चाय तक नहीं पिलाता, और तू यहाँ पैसा बांट रहा है? मैं भी चाय नहीं पिला रहा हूँ। कोई साजिश नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ भरोसा। यानी कि बस वो सेफ खोलने की देरी है, उसके बाद हम करोड़पति। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं सब सेफ रूम में। पर एक बात जान लीजिए, एक समय पर सिर्फ 10 लोग जा सकते हैं। बाकी हम लोग के लिए कुछ बचेगा कि नहीं? तो 10 लोग जा रहे, सबके सब लूट लेंगे। चिंता मत करो मेरे भाई, सबका नंबर आएगा। फिलहाल जो 10 लोग मेरे साथ जाने वाले वो हैं तुम। हाँ तुम सर, आप। हाँ मैडम, तुम। चलिए लोगों को यह ना लगे कि आपके साथ कोई हेरा फेरी की जा रही है। मैं खुद यहां पर यह हीरा आपके सामने रख रहा हूं। और यह है वो 10 करोड़ रुपए जो बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रहे हैं। एक और बात मैं आप सबको बता दूं, इस कमरे में ना कोई CCTV है ना हिडन कैमरा। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? मेरे को मालूम था अपनी जिंदगी एक दिन यू टर्न मारेगी और मैं खुद का हेलीकॉप्टर में उड़ेगा। लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर तुम्हारे हेलीकॉप्टर से पहले उड़ जाएगा। मैं और मेरी टीम अब ये तिजोरी बंद कर देंगे। शीतल, पिंकी, अमर, सुवीर, ये मेरी टीम है, आइए। आप लोगों के पास अब अगले 24 घंटे इस काम को अंजाम देने के लिए। अंदर कोई कैमरा नहीं है, ये जो 2 गार्ड्स भी बाहर हैं ये आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप लोग आपस में ना झगड़े। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे? इससे तुम्हें क्या फायदा?
वेरी गुड क्वेश्चन। फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं इसके जरिए यह साबित करना चाहता हूं कि मैंने इस दुनिया का सबसे सुरक्षित सेफ बनाया। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। अपनी अपनी कला दिखाने के लिए आप लोगों के पास अगले 24 घंटे हैं, लेकिन 12 से 4 तक ये कमरा बंद रहेगा, बाकी समय आपका। चलो बहुत हो गई कोशिश, 12 बज गए, टाइम खत्म हुआ, बाकी की कोशिश 4 बजे के बाद होगी। चलिए सारे के सारे चोर उचक्के वहां पहुंच गए, मगर वो नहीं पहुंचा जिसका हमें इंतजार था। और रमैया से मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये आरके इतना रिस्क क्यों ले रहा है। सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए कोई इतना सारा पैसा दांव पे कैसे लगा सकता है? हाँ सर, अगर 1 करोड़ की एड कर देता टीवी या अखबारों में तो बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो जाती। ये सचमुच किसी ने तिजोरी खोल ली तो? नहीं फ्रेडी, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं हो रहा है। ये पब्लिसिटी की आड़ में ये कुछ बड़ी खिचड़ी पका रहा है आर के। इसकी कुंडली निकाली क्या? हाँ सर, मैंने उसके बारे में पता किया। वो तिजोरी बनाने के बिजनेस में काफी साल से हैं, पर पिछले 2 साल से उसका धंधा कुछ मंदा चल रहा था। और मार्केट में उड़ती उड़ती खबर ये है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। कर दिया ना उसने सर, ये चोर और लुटेरों को दावत देने से बड़ा कारनामा और क्या हो सकता है सर? उन तीनों चोरों की कुंडली निकाल ली जो पार्टी में बात कर रहे थे। उसमें एक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, दिनकर। दुनिया का कोई भी सेफ हो यूं चुटकी में खोल लेता है। 10 साल के लिए जेल में था वो। हाँ सर, और 2 साल पहले ही जेल से छूटा है। बाहर निकलने के बाद शराफत की जिंदगी जी रहा है। तो फिर 2 साल बाद अचानक फिर से जुर्म की दुनिया का दरवाजा खटखटाने क्यों पहुंच गई? बाकी के तो सर, एक का नाम तो सिद्धेश, तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट है सर। उससे बेटर तिजोरी कोई नहीं तोड़ सकता है। आरी का इस्तेमाल करता है, कभी वो सरिया का इस्तेमाल करता है, आग और लेजर से भी तिजोरी तोड़ता है सर। मतलब औजार एक्सपर्ट। तीसरा अर्पिता नाम है उसका, जिमनास्ट है, चुस्त और फुर्तीली, चीते की तरह भागती है और छिपकली की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ जाती है। कीमती पत्थर और डायमंड्स परख सकती है सर। और सर, वो अर्जुन सपोटा की बेटी है। अर्जुन सपोटा की बेटी? अर्जुन सपोटा दया, दुनिया का कोई भी ताला वो खोल सकता था, कोई भी ताला। चाबी भुला देते उसको, चाबी। हाँ सर भाई, 4 साल पहले उसकी मौत हो गई, मगर मरने से पहले अपना सारा हुनर और अपनी सारी कला अपनी बेटी को विरासत में दे गया। सर, इतने सारे महारथियों को एक साथ एक छत के नीचे बुलाया गया, अब सिर्फ एक तिजोरी खोलने के लिए तो नहीं होगा। ऐसा लगता है कि किसी दूसरे जुर्म की प्लानिंग के लिए ये लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। ना दया, और इस प्लानिंग का सारा राज उस तिजोरी में छुपा है। ये तिजोरी हमें खोलनी पड़ेगी।
बस बस बस, ये मेहनत का नहीं सुखीने का काम है। अभी मैं ट्राई करूं। ठीक है आइए। एक्सक्यूज मी, दरवाजा तो थोड़ा खुला हुआ है। खुल गया। ओह नो। हीरा? ओह माय गॉड। सर ये तो अरविंद है, उस हीरे का मालिक। गला दबा के मारा है इसको। गला दबा के मारा है। इस कमरे में तो सारे के सारे मुजरिम भरे हुए हैं। इन्हीं में से किसी ने किया होगा। बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया साहब, हम लोग तो यहीं पे थे। 12 से 4 बजे के बीच भी यहीं पे थे। वॉशरूम वगैरह नहीं गए सर? साथ में नहीं गए। अगर एक गया तो दूसरा यहीं पे होता। इस बीच अंदर कोई भी नहीं आया सर। मैंने सेफ रूम का कमरा अच्छी तरह से चेक किया। अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और कहीं रास्ता है ही नहीं। सर अगर अंदर आने का एक ही रास्ता है तो ये अरविंद अंदर आया कब और कैसे? बाहर तो ये गार्ड्स थे। वही तो, अरविंद अंदर आया तो आया लेकिन मारा भी तो गया, और जिसने भी मारा उसे वो भी तो अंदर आया कब और आया कैसे? यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए ना, ये चोर लुटेरे, इन सब एक एक की कुंडली उतार लेते हैं, फिर देखते हैं खूनी कौन है इनमें से। ऐसे नहीं हो सकता। कहाँ है अरविंद? अरविंद मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। एक मिनट मैडम, मैडम प्लीज, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्लीज। आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? सर मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, हीरा चोरी हो गया, आफ्टर ऑल वो सेफ रूम खुला कैसे? अरे वाह, तुम्हें तुम्हारे पैसों की पड़ी है, हा? यहाँ पर एक आदमी की जान गई है, खून हुआ है यहाँ पर, समझे? सर। हाँ पुरी। एक सेकंड। सर सारुंग के सर को कुछ मिला है। बॉस, ये तिजोरी बालूद के धमाके से निकली है। इसका ताला और बाकी के मैकेनिज्म अभी भी सही सलामत है। धमाका? नकली था? नकली कैसे? इतनी तेज आवाज आई थी, हम लोगों ने धुआं देखा था। ये सब क्या? वो सारा का सारा एक ड्रामा। थोड़ा सा बारूद इकट्ठा करके धमाका किया गया, और बाकी चीजों के लिए पायरोटेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जैसा फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट के लिए किया जाता है। अगर ये धमाका नकली था तो ये सेफ खुला कैसे? शायद ये सेफ पहले से खुला होगा। इम्पॉसिबल। ये दरवाजा मेरे अलावा कोई खोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास है, मेरे हाथ के अंदर। ये देखिए, यहां पर चिप फिट है। हाँ सर, सेफ रूम की चाबी RFID चिप में है, जो सिर्फ आरके सर के हाथ में लगी चिप की फ्रीक्वेंसी मैच होने पर ही खुलेगी। अगर ये सेफ तुमने नहीं खोला, फिर किसने खोला? रात के 12 और 4 बजे के बीच में कहाँ थे तुम? सर हम लोग होटल सीमा में थे, इसी की सक्सेस पार्टी में।
होटल सीमा में सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे। डेफिनेटली सर, होना ही चाहिए। एक मिनट सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पैसे किसने चुराए होंगे। अमर, जल्दी मेरे केबिन में आओ। अमर, फुटेज दिखाओ। जी सर। ये देखिए सर, 12 से 4 बजे की सेफ रूम की सीसीटीवी फुटेज। सेफ रूम का फुटेज? तुम तो कह रहे थे कि उस कमरे में कोई कैमरा नहीं। सर, अब चोरों को कौन सच बोलता है? और कौन कौन जानता है इस खुफिया कैमरे के बारे में? सर, सिर्फ मैं और मेरे 4 असिस्टेंट्स। गार्ड को भी नहीं पता? जी नहीं सर। फास्ट फॉरवर्ड करो। जी सर। पैसे में सब पैसा रही है। 12 से 4 के बीच में कमरे में कोई नहीं आया था। वही तो, नहीं तो अरविंद दिखना चाहिए था। जरूर इस सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अरविंद आधी रात को वहां करने क्या आया था? सर, हाँ बोलिए। तुम उनका स्टेटमेंट लिया? उसका कहना है कि अरविंद को आधी रात में किसी का फोन आया था। फोन पे बात करते ही वो गुस्से में आ गया और घर से चला गया। फोन कहाँ से आया था? नंबर चेक किया? हाँ सर, प्राइवेट नंबर, इसलिए ट्रेस नहीं हो पाया। और अरविंद का फोन, वो ट्रैक हुआ? सर, उसका फोन वहीं पर ट्रेस हुआ है जहाँ पर ये तिजोरी वाला खेल चल रहा था। सर, आप रेडी? वो तीनों चोर आ गए। देखिए, मुझसे पूछताछ करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं अभी भी जेल से छूट के आई हूँ। चोरी और मर्डर करके मैं दोबारा जेल क्यों जाना चाहूँगी? अगर चोरी नहीं करना चाहती थी तो वहाँ चोरों की पार्टी में क्यों गई थी? काफी ललचाने वाला इनविटेशन था वो। लेकिन एसीपी साहब, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है मुझे। अब ये चोरी वोरी मेरे बस का काम नहीं। हाँ, टाइम पास करने मैं वहाँ गया था। अब आप ही बोलो सर, अगर कोई सामने से ये बोले कि आके पैसे लेके जाओ तो कानून की नजर में ये चोरी तो नहीं हुई ना सर? तो तुम तिजोरी खोल नहीं पाए, तो कहीं इसी गुस्से में तुमने कहीं खून तो नहीं कर दिया? अब नहीं खुली तो नहीं खुली तिजोरी। तो क्या हुआ, प्लान बी? प्लान बी क्या था? प्लान कुछ नहीं सर। चुपचाप बता, समझा? वरना तू भी जानता है काफी चीजों के लिए मैं भी बहुत बदनाम हूँ। वो लिंक रोड पे ज्वेलरी का शॉप है, कल वहां पे मैंने चोरी की थी। कितने बजे की थी चोरी? 11:30 से 4:30 के बीच पे। साइबर टीम की रिपोर्ट आ गई सर, सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ हुई है। 12 बजे से 4 बजे तक जब ब्रेक था सर, किसी ने फुटेज को लूप में लगा दिया। मतलब साफ है पंकज, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, यार के की टीम के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। आर के की टीम का ही कोई है जो इस सब में मिला हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, मेरी टीम में कोई गद्दार है? ये दूसरा सेफ रूम है ना? जी हाँ, मेरा ही डिजाइन है, उसी का दूसरा मॉडल समझिए। लगभग बहुत सारे फीचर्स भी सिमिलर है। यानी ये भी वैसे ही खुलता है तुम्हारे हाथ के चिप से? या मैं दिखा देता हूँ आपको। ये खुल क्यों नहीं रहा? What's the problem, Sheetal? Check करो, ये खुल क्यों नहीं रहा है? सर, पता नहीं क्या हुआ, सेफ रूम खुलना तो चाहिए था। एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। Oh no. क्या हुआ? किसने लॉक का कोड चेंज कर दिया?
कोड? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ये? एक मिनट, कोड बदल दिया मतलब? किसी ने सर का कोड चेंज कर दिया है, अब ये सेफ रूम सर के चिप से भी नहीं खुल पाएगा। क्या? तो फिर कैसे खुलेगा ये? अरे आप कह रहे थे कि ये दोनों सेफ रूम जो आपने बनाए ये ओरिजिनल है, ये वाली और वो दूसरी वाली भी? जी हाँ। तो फिर हो सकता है तो दूसरी वाली जो सेफ रूम है वो भी शायद इसी चिप से खुली गई हो। यानी उस सेफ रूम को खोलने के लिए मुजरिम को आरके की जरूरत नहीं पड़ी होगी? हाँ, उसी चिप से उसने वो सेफ रूम खोल दिया, पैसे लूट लिए वहां से और अरविंद का फोन कर दिया। सर मुझे तो लगता है ये असिस्टेंट लोग ही हैं। सीसीटीवी फुटेज के बारे में सिर्फ इनको पता था। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो शक तो हम पे ही जाएगा ना। ऐसा क्यों करेंगे ये तो हमें पता करना पड़ेगा। आरके आपके पास ये चिप को डिटेक्ट करने के लिए के कोई डिवाइस है, कोई इक्विपमेंट? जी हाँ, मेरे पास एक रिमोट चिप रीडर है। गुड। दूसरा इनके तो किसी के हाथ में भी ये चिप नहीं है। हमारा फोर्थ असिस्टेंट अमर कहाँ है? अमर आया नहीं अभी, और आएगा भी नहीं। कहाँ रहता है वो? पिंकी आइए सर। सर चलिए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये सब अमर ने किया है तो फिर सिक्योरिटी वालों ने उसे देखा कैसे? नहीं, सिक्योरिटी से फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। सीधे सीधे बता, तुम दोनों गार्ड में से कौन मिला हुआ है ज्वेलर अरविंद के खून में? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा तो पेट खराब था जिसकी वजह से मुझे भर भर बाथरूम जाना पड़ा, पर सुशांत पूरे वक्त ड्यूटी पे था सर। कहाँ है सुशांत, बुलाओ उसे। सुशांत को तो अभी अभी आप लोगों ने फोन करके वापस बुलाया ना क्राइम सीन पर। क्या हमने कब बुलाया? तो ऐसा तो नहीं कि बहाना बना के निकल गया हो सकता है। इनसे सुशांत का एड्रेस ले लो और उस एड्रेस भी जाके चेक करो, तब तक हम लोग क्राइम सीन देखते हैं। सुशांत भी मारा गया? पेट पे गोली लगी, लगता नहीं इसने खूनी को देखा भी होगा। सवाल यह है कि सुशांत सेफ रूम के अंदर क्या करने आया था? तो देखो यहां आसपास। खून कैसे बंद हो गया? दरवाजा कैसे बंद किया? खोलो सर। नहीं सर। आ गया? हाँ सर, वो हम लोग तहकीकात करते समय सेफ रूम के अंदर आ गए तो बाहर से किसी ने दरवाजा बंद किया, हम लोग अंदर फंसे हुए हैं। क्या तुम दोनों अंदर फंसे हो? हाँ सर, और सुशांत की लाश भी यहाँ सेफ रूम में है। माय गॉड, ये कैसे किया? अच्छा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग अभी आते हैं। ओके सर, घबराना मत, हम तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लेंगे। उर्वी हौसला रखना। सर सर मैं आरके से बात करता हूँ, उसकी सेफ है, शायद वो कुछ मदद कर सके। करो जल्दी करो, मैं भी दिनकर को फोन करके बुला लेता हूं। सर अमर के घर पे हो सर, यहाँ ये मरा पड़ा है। अमर मरा कैसे? पता नहीं सर, मुंह से झाग आ रहा है और ये दाया हाथ उसका पूरी तरह से जला हुआ है। अमर का दाया जला हुआ?
तो फिर जरूर वो चिप होगी उस हाथ में। उस बॉडी को जल्दी से जल्दी फोरेंसिक लैब भेज दो, अमर की बॉडी को जल्दी। बस तैयार तो नहीं कैसे? या फिलहाल तो ठीक है उनकी हालत, लेकिन तिजोरी में ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा है। उस तिजोरी के साइज के हिसाब से वहाँ पे अभी बस एक घंटे की ऑक्सीजन बची होगी। ओह माय गॉड, इसका मतलब एक घंटे के अंदर अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो दया सर को नहीं, कुछ नहीं होगा फ्रेडी, दया पूर्वी को कुछ नहीं होगा। क्या सर, एक बात बता, अमर की बॉडी में से कुछ मिला है ना तुझे? हाँ मिला। क्या मिला? यहाँ से मुझे एक चिप मिली है। तो इसका मतलब ये सारा किया खराया अमर का ही है, अरविंद का खुद भी अमर ने ही किया है। सर ये चिप मिलने से तो बहुत अच्छा हो गया, शायद इस चिप की मदद से वो तिजोरी का दरवाजा खुल जाए, दया सर और पूर्वी बच जाए। नहीं खोल सकते बॉस, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकता? मतलब ये कि चिप पूरी तरह से जली हुई है, देखो यार। माय गॉड, असली मुजरिम अमर नहीं कोई और है। चिप खराब करके उसने सारे सबूत मिटा दिए। सर पूर्वी और दया को बचाने के लिए और कोई तरीका नहीं है? तरीका है। दया और पूर्वी को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 50 मिनट बाकी है, और इस 50 मिनट में हम पहुंचेंगे इस मुजरिम तक, जरूर पहुंचेंगे। ये खून का निशान सिर्फ यहाँ कैसे? ओ वाह, खून का निशान यहाँ। एक मिनट, खुफिया दरवाजा सेफ रूम के अंदर, खुफिया दरवाजा। इसका मतलब जब इसे गोली मारी तभी दरवाजा खुला था, इसलिए खून के निशान यहाँ पे भी है और इस खुफिया जगह की तरफ भी है। सारे पैसे और ये हीरा, मतलब ये खून पैसे के लिए नहीं हुआ। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। मतलब सुशांत यहाँ खड़ा होगा इस खाली जगह की तरफ मुंह करके, और खूनी ने उसे पीछे से मार डाला। हाँ पूर्वी, मगर अब सवाल ये है कि ये सेफ रूम का दरवाजा खोल के अंदर करने क्या आया सुशांत? चोरी का प्लान तो नहीं था इसका? सर अब सांस नहीं ले जा रही। हिम्मत रखो पूर्वी, ये दरवाजा खुलने ही वाला है। अभिजीत, यहाँ सेफ रूम के अंदर एक 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 खुफिया कमरा मिला है जिसमें वो हीरा और पैसे रखे गए। सब कुछ अंदर ही है? हाँ, ये देखो। यार ये तो अच्छी खासी जगह है, यहाँ तो कोई भी छिप सकता है। हाँ, अरे यार दया प्लीज, एक काम करो, तुम बैठ जाओ वहां पे, हम लोग बहुत जल्दी ये दरवाजा खोलने वाले हैं। जल्दी करो, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। और पूर्वी कैसी है? उसे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यार दिक्कत क्या कर रहा है तू, अब तक खुला क्यों नहीं दरवाजा? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। चल कोशिश करते रहे, जल्दी। सर इसी जगह पे, यहीं पे ये अमर छुप के बैठ गया होगा। सर वो तो अरविंद अंदर गया था, सुशांत उसे तिजोरी तक लेकर गया और वहां अमर ने उसे मारा। हाँ सर, वो खूनी यही चाहता था कि हमें ये लगे कि ये खून इस हीरे और पैसे की वजह से हुआ है, पर ऐसा नहीं है सर। मतलब अरविंद को मारने के पीछे कोई पर्सनल रीजन है? करो!
खोलो। कणके का फोन है, कणके स्पीकर फोन ऑन कर रहा हूं। हाँ बोल। बॉस एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। क्या? जल्दी बता, टाइम नहीं है। सर अमर के कपड़ों पे से वही धुएं के पार्टिकल्स मिले जो एक्सप्लोजन के वक्त हुआ था। हाँ तो क्या हुआ? ये ऐसे पार्टिकल तो हमारे भी कपड़ों पर है, नया क्या है? नहीं बॉस, पहले पूरी बात सुन लो। दया और अभिजीत के कपड़ों में धुएं के साथ साथ बारूद के भी ट्रेसेस थे, लेकिन इस अमर के कपड़ों में सिर्फ और सिर्फ धुआं है, समझे? अरे लेकिन उसके कपड़ों पर भी बारूद मिलना चाहिए, धमाके के वक्त वो वहीं मौजूद था। वही तो सुराग है कि ये आदमी उस वक्त वहाँ नहीं था बल्कि कहीं और था। बॉस अब यही बात हमें खूनी तक पहुँचाएगी। ये अमर धमाका होने के बाद यहाँ आया। पंकज तो उस दिन घर के साथ रहो, हम उसी चीज की फुटेज चेक करते। चलो अजय। सर ये अमर धमाका होने के बाद सेफ से बाहर निकला है, किसी को इशारा कर रहा है। सर जरूर सुन करो दूसरे आदमी पर, देखिए तो सही। ये है मास्टरमाइंड। कोनी मिल गया, हमारी कस्टडी में। That's good news, sir. सर वो चिप नहीं? नहीं चिप नहीं मिली उसके पास। अरे मतलब सर हम लोग दया सर और पूर्वी को बाहर निकाल नहीं पाएंगे? निकालेंगे। सॉरी एसीपी साहब, मेरी जिंदगी भर का अनुभव धरा का धरा रह गया, ये सेफ मैं नहीं खोल सकता, अब इन्हें भगवान ही बचा सकता है। एक मिनट दिनकर, इन्हें तो भगवान बचाएगा ही, पर इसे भी बचाएगा। सुवीर नाम है इसका, इसी की थी सारी प्लानिंग। सर ये आरके का असिस्टेंट? हाँ, दया और पूर्वी की तरह ये भी एक एक सांस के लिए मोहताज हो जाएगा। क्यों दिनकर, सही कर रहे ना हम तुम्हारे बेटे सुवीर को उस सेफ में बंद करके? यह गलत है, कानून के खिलाफ है। अच्छा, जब तुम्हारे बेटे की जान पर बनी आई तो वो कानून के खिलाफ, और तुमने जो किया वो कानून के खिलाफ नहीं। सुवीर इनका बेटा? हाँ सुवीर, दिनकर का बेटा सुवीर। क्योंकि तुमने देखा है ना दिनकर की वो मुड़ी हुई उंगली, ये वो ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। सुवीर की भी उंगली दिनकर की तरह ही मुड़ी हुई है। तो क्या हुआ? मुड़ी हुई उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मगर इस केस में जेनेटिक्स का कमाल है, चाहे तो डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत देर हो जाएगा और सुवीर दम तोड़ चुका होगा। क्यों? है वो मेरा बेटा, अगर उसको कुछ हुआ तो अंदर दया और पूर्वी भी मर जाएंगे। ये है वो असली चिप, लेकिन अब मिलेगी नहीं। किस बात का बदला लेना चाहते थे तुम आरके और अरविंद? उनके वजह से मैं 10 साल जेल में था, मगर पुलिस रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। मुझे भी बहुत देर बाद पता चला कि इसके पीछे उनका ही हाथ था, क्योंकि मैंने उनके यहाँ कई चोरियां करके उनकी नाक में दम कर रखा था। पापा को उन पर शक था और शक को यकीन में बदलने के लिए पापा ने मुझे आरके के पास नौकरी करने के लिए भेजा। और जब तुमने कंफर्म कर दिया कि आरके और अरविंद ही है दिनकर के जेल जाने के पीछे, उसके बाद दिनकर ने साजिश रचनी शुरू कर दी। तो क्या गलत किया मैंने?
मेरे जेल जाने के बाद मेरी बीवी और बच्चे पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए, मगर किसी ने मदद नहीं की उनकी। मेरी बीवी डिप्रेशन में चली गई, उसने आत्महत्या कर ली। ये सुशांत और अमर भी तुम लोगों के लिए काम कर रहे थे? जी सर, सुशांत को हमने पैसे दिए थे दूसरे काट के खाने में दवाई मिलाने के लिए, जिससे उसका पेट खराब हो गया और हमें अपने जुर्म को अंजाम देने का मौका मिल गया सर। अमर को 1 करोड़ रुपए दिए थे हमने उस सेफ का कोड बदलने के लिए, इसलिए एक चीप उसके पास थी और एक हमारे पास। और अमर का इस्तेमाल किया तुमने अरविंद को मारने के लिए भी। अमर से अरविंद को देर रात को फोन करवाया और झूठ बुलवाया कि आरके अरविंद को धोखा दे रहे हैं, और अरविंद भागते भागते यहाँ तक आया। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट तक अपनी मौत के मुंह में। जी सर, हमने यही सोचा था कि अरविंद को वहीं मार देंगे और सेफ रूम में डाल देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। हमारी किस्मत खराब थी सर कि उसी वक्त दूसरा गार्ड वहां पहुंच गया और मजबूरी में हमें उसे उस कमरे में छुपाना पड़ा जहां जहां पैसा और हीरा था। फिर धमाका होने का इंतजार किया उसने ताकि धुएं की आड़ में बाहर निकल सके। मगर अमर और सुशांत को क्यों मारा? क्योंकि वो दोनों कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे। अमर ने मरने से पहले बताया कि सुशांत अकेला ही तिजोरी साफ करना चाहता था, सब पैसे अकेले लूटना चाहता था, इसलिए यहाँ सही वक्त पर आकर हमने उसे मार डाला। लेकिन तुम दोनों सीआईडी वाले गलत वक्त पर आके यहाँ पे फंस गए। तुम्हें लगा कि हम लोग असलियत तक पहुँच जाएंगे और तुम सबका भांडा फोड़ देंगे, इसलिए हमें सेफ रूम में लॉक कर दिया और सोचा अंदर ही दम तोड़ देंगे हम लोग। बदले की आग में तुमने 3-3 लोगों की जानें ले ली, कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, फांसी होगी तुम्हें फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।